हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर टू दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से टॉपिक को गैमिटोजिनेसिस जिसमें भी आज हम पढ़ेंगे स्पोमेटोजनेसिस अब आप बोलोगे मैम स्पोमेटोजिनेसिस तो कुछ और भी होता है क्या तो यस सेकेंड जो होता है वो होता है ओ तो गैमिटोजिनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स आपको मैंने पहले भी बताया है, कहीं भी अगर वर्ड आ जाता है, तो वर्ड का मीनिंग ही होता है किसी भी चीज का बना दैट इज सिंथेसाइज सिंथेसिस ऑफ एनीथिंग एंड अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है गैमिट तो सिंथेसिस ऑफ गैमिट इज नोन एज गैमिट जिनेसिस ठीक है आपको समझ में आ गई ये बात लेकिन अब आपको पता है कि गैमेट की फॉर्मेशन मेल बॉडी में भी होती है और गैमेट की फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए गैमेट की फॉर्मेशन एक तो मेल गैमेट होना चाहिए और दूसरा फीमेल गैमेट होना चाहिए तो इसके लिए जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो फीमेल्स में भी होती है और मेल्स में भी होती है तो जब वो प्रोसेस फीमेल्स में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं ओजनेसिस तो गैमिटोजनेसिस की प्रोसेस को फीमेल्स में बोला जाता है ओजनेसिस एंड मेल्स में उसे क्या बोला जाता है मेल्स में उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस तो अब यहां से बहुत ज्यादा बात ये क्लियर हो गई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट क्या होंगे स्पर्म्स और यहां पर ऊजनेसिस का रिजल्ट क्या होगा ओवम दैट इज एग तो आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है गैमेटोजेनेसिस उसमें भी क्या होता है स्पोर्मेटोजेनेसिस और क्या होता है ओ आगे अब हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस तो डेफिनेशन क्या होगी इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनेट्स अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मैम ठीक है ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है बट इन द गोनेट्स अब ये गोनेट्स क्या होता है तो गोनेट्स क्या होता है गोनेट्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है गोनेट्स गोनेज़ होते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स अब अगर, मैं, आप तो अगर मैं आपसे बात करूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल बॉडी में बात करें मेल में तो मेल में क्या होता है मेल में होते हैं टेस्टिस और अगर वहीं मैं फीमेल्स में बात करूं तो फीमेल्स में क्या होता है फीमेल्स में होते हैं ओवरी फीमेल्स में क्या होती है ओवरी तो हमने देखा कि जो गोनेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में जो होते हैं वो 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 होते 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 हैं 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 और फीमेल्स में जो जो ओवरी इज दैट क्लियर तो इसीलिए हो गया वो दो टाइप का हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंड क्या हो गया ऊजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम तो आपको ये बात समझ में आ गई लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए स्पोमेटोजेनेसिस कहाँ पर होगा मेल बॉडी में तो आप आंसर क्या करेंगे मैम इट विल अकर इन टेस्टिस एंड अगर मैं आपसे कहाँ पे होगा तो आप आंसर क्या करेंगे कि होगा ओवरी में तो आपको लोकेशन पता चल गई कि कहाँ पर ये दोनों प्रोसेस होने वाली हैं. अब आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे किसके बारे में हम आज पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्प तो चलिए देखते हैं अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पोमैटोजुआ तो इसीलिए अभी बता देती हूँ मैं आपको कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको हम स्पोमैटोजोआ भी बोल सकते हैं ठीक है आगे बात समझ इन ऑफ़ टेस्टिस अभी तक जो पता था कि ठीक है स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है टेस्टिस के अंदर लेकिन आप टेस्टिस का भी तो स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ चुके हैं ना आपको पता है टेस्टिस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं ठीक है तो अब आगे बात ये गई कि टेस्टिस के भी किस पार्ट में प्रोसेस स्पर्म की फॉर्मेशन होगी तो वो पार्ट क्या है वो पार्ट है सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल क्या पार्ट है वो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल तो अब अगर आपसे कोई स्पोमेटोजोनेसिस की डेफिनेशन मांगता है तो आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन उसको देनी पड़ेगी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और स्पोमेटोजोआ इन फॉर्मेशन या की फॉर्मेशन होती है ठीक है और प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोमेटोज प्रोसेस को क्या कहते, है? प्रोसेस को कहते हैं स्पोमेटोजनासिस अब आगे की बात यह आती है कि स्टेजेस ऑफ स्पोमेटोजोनासिस क्या स्पोमेटोजोनेसिस एक ही सिंगल स्टेप में हो जाता है कि उसमें बहुत सारी स्टेप होती हैं अगर बहुत सारी स्टेप्स होती हैं तो क्या क्या होती हैं ऐसे कई क्वेश्चन आ रहे होंगे ना ब्रेन में तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ तो जब हम स्टेजेस ऑफ स्पोमैटोजेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें फर्स्ट स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पैटिड फॉर्मेशन ऑफ स्पोमैटेड लेकिन हमने डेफिनेशन में तो ये नहीं लिया था हमने तो डेफिनेशन में ये सुना था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और इज नोन एजेटोजनेसिस अब लेकिन हमें यहां पे यह समझ में आया कि जो स्टेज वन होती है या फर्स्ट स्टेज में किसकी फॉर्मेशन होती है सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन होती है स्पर्मैटिट्स की किसकी होती है स्पोमेटिड्स की किससे होती है अब यही क्वेश्चन स्पर्मैटोगिया स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस स्पमेटिट्स अब फिर अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्पोमेटोगिया क्या होता है तो मैं अगर आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ तो स्पर्माटोगिया क्या होता है स्पर्माटोगिया इज द स्पर्म मदर सेल जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है जो इन सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है इज दैट क्लियर इसीलिए हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स में हो रही है और उसके अंदर क्यों हो पा रही है बिकॉज जो सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पर्माटोगिया और द स्पर्म मदर सेल इज दैट क्लियर तो फर्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है फर्स्ट स्टेज ऑफ पोमैटोजिनेसिस में रिवाइज कर लो जल्दी से फर्स्ट स्टेज ऑफ पोमैटोजेस में दैट इज मदर सेल से क्या बनने वाले हैं स्पर्मैटेड बनने वाले हैं क्या बनने वाले हैं स्पोमेटेड दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पोमेटोजिनेसिस ठीक है हो गई फर्स्ट स्टेज अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे तो सेकेंड स्टेज जो होती है उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस क्या नाम है उसका नाम स्पर्मियोजेनेसिस अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है तो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म अब इसका क्या मतलब है आपने देखा था तो जो स्टेज वन में जो रिजल्टेंट था दैट वाज नॉट स्पर्म दैट वाज स्पर्मेटिड मतलब कहीं ना कहीं स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में और यही होता है स्टेज 2 दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इंटू स्पर्म तो सेकंड स्टेज में क्या होगा जो फर्स्ट स्टेज के स्पर्मेटेड है वो फाइनली मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजिनेसिस क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मियोजिनेसिस

सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज वन को ठीक है स्टेज वन और फिर आगे फर्दर स्टेज टू को तो ये जो आपके सामने एक फ्लो चार्ट है ये पूरी द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्पोमेटो को एक्सप्लेन करता है एंड ऑल्सो दिस डायग्राम ये भी ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसी फ्लो चार्ट का तो चलिए हम इस डायग्राम की इस फ्लो चार्ट की स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्पोमेटोगिया और उसके आगे ब्रैकेट में टू एन लिखा हुआ है टू एन से आप क्या समझते हैं

जो कि एक डिप्लॉयड सेल है जिसे हम स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि उससे स्पर्म बनने वाले हैं इस सेल में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होता है क्या होता है इसमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पोमैटोज दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फेज तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फेज में ये होता है स्पोमेटोगिया और सारे स्पोमेटोगिया क्रिएट करते हैं क्या करते हैं और सारे स्पोमेटोगिया क्रिएट करते हैं इज दैट क्लियर ठीक है बहुत सारे स्पोमेटोगिया बन रहे हैं ओके okay. तो दिस इज बहुत सारे स्पोमेटोगिया बने तो हम इसको बोल देते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज और साथ में अब ये जो बहुत सारे स्पोमेटोगिया बन गए हैं ये अब एक डिवीजन करेंगे जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन और बना लेंगे प्राइमरी पोमेटोसाइट्स क्या बना लेंगे प्राइमरी पोमेटोसाइट्स तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया जो स्पोमैटोगोनिया है वो एक डिप्लॉइड सेल है ठीक है वो माइटोसिस डिवीजन करके एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी पोमेटोसाइट और अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि यहां पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना कि मियोसिस कौन सा डिवीजन हो रहा है माइटोसिस माइटोसिस मीनिंग इक्वेशनल डिवीजन तो जब यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन बन रहा है तो जो न्यू सेल्स बनेंगी दैट आर प्राइमरी पोमेटोसाइट वो भी सेम टू सेम क्या होंगी वो भी होंगी डिप्लॉइड वो भी क्या होंगी डिप्लॉइड होंगी कि नहीं होंगी डिप्लॉयड ठीक है आगे बात समझ में तो ये बन गई डिप्लॉइड सेल्स प्राइमरी पोमेटोसाइट अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा सेकेंड स्टेप में ये जो प्राइमरी स्पोमैटोसाइट है वो ग्रो करेंगी इन नंबर दे विल ग्रो इन नंबर समझ में आई आपको तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा जो प्राइमरी स्पोमैटोसाइट हैं, दे विल ग्रो इन नंबर नंबर में वो ग्रो करेंगी तो जब वो नंबर में ग्रो करेंगी तो क्या होगा प्राइमरी स्पोमैटोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसीलिए जो सेकेंड फेज होता है उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं को? क्योंकि ने करी है, उन्होंने नंबर इंक्रीज किया है बहुत सारे उन्होंने अपने आप को बना लिया है तो वो हो गया प्राइमरी स्पोमैटोसाइड ग्रोथ फेज इज क्लियर अब आगे अगर आप देखें तो हमने देख लिया पोमेटो से प्राइमरी पोमेटो बन गया अब आगे जो प्राइमरी पोमेटोसाइड्स हैं वो मियोसिस वन डिवीजन में एंटर होंगे कौन से डिवीजन में मियोसिस वन एंड आप जानते हैं क्लास एलेवं में आपने पढ़ा है कि जो मियोसिस वन होता है इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन क्या मतलब है रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि जो नंबर है जो प्लॉयडी है वो हाफ हो जाती है हाफ हो जाती है अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिप्लॉयड है तो अगर मियोसिस वन हुआ है तो उसके बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी हैप्लॉयड हो जाएगी क्या हो जाएगी हेप्लॉयड तो प्राइमरी स्पोमेटोसाइड्स जो होते हैं उसमें मियोसिस वन डिवीजन होता है एंड फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी स्पोमेटोसाइड्स की किसकी फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी स्पोमेटोसाइड्स की जो कि हैप्लॉइड। मतलब नाउ दे विल हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स एंड डिप्लॉयडी का मतलब 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर और 23 पेयर लेकिन अब यहां पे कितने क्रोमोसोम्स बचे हैं ओनली एंड ओनली 23 थ्री क्रोमोजोम्स और इस फेज को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज क्या बोलते हैं मैच्योरेशन फेज पूरा अब इसके बाद मैच्योरेशन फेज तो फर्स्ट स्टेप हो गया था फर्स्ट फेज हो गया था मल्टीप्लीकेशन फेज सेकेंड फेज हो गया ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज अब जो रिमेनिंग बचा है वो हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन फेज और क्या बन चुका है स्पोमेटोगिया से बने थे प्राइमरी स्पोमेटोसाइट विच आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस डिवीजन, इसलिए वो सेम एग्जैक्टली स्पोमेटोगिया जैसे ही थे उसके बाद में जो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट था उसमें हुआ म्योसिस वन और किसकी फॉर्मेशन हुई फॉर्मेशन हुई सेकेंडरी पोमेटोसाइट्स की अब जब मियोसिस वन हुआ है और वो रिडक्शनल डिविजन होता है इसके लिए जो सेकेंडरी पोमैटोसाइट्स हैं वो कैसे हो गए दे आर हैप्लॉय दे आर हैप्लॉयड आगे अब क्या होगा जो सेकेंडरी पोमैटोसाइट्स हैं दे विल अंडरगो मियोसिस टू दे विल अंडरगो मियोसिस टू एंड अगेन जो मियोसिस टू होता है इट इज अ इक्वेशनल डिविजन और इट इज सिमिलर टू माइटोसिस

क्या बन गए स्पोमेटिड तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पोमैटोजिनेसिस कंप्लीट हो चुकी है दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मैटोगोनिया तो स्पर्मैटोगिया से स्पर्माटिड की फॉर्मेशन हो गई और स्पर्मेटिड कैसे हैं स्पर्मैटिड आर हैप्लॉयड दैट इज हैव ओनली ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम दे हैव ओनली ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम तो हमारे स्पोमैटोगिया से बन गए स्पर्मेटिक अब यहाँ से फर्दर क्या होने वाला है यहाँ से फर्दर अब सेकेंड स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजिनेसिस स्टार्ट होगी जिसे क्या बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते थे जिसे स्पर्मियोजेनेसिस तो स्पर्मियोजेनेसिस होगा अगली स्टेप में और क्या हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस होगा और जो स्पर्मेटिड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म्स में स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म में

तो ये 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 हो क्या रहा है? ये जो जो टू एंड सेल्स आपस में क्रिएट होती जा रही और रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये जो रेड कलर की एक सेल आपको दिख रही है दिस इज प्राइमरी क्या है प्राइमरी प्राइमरी स्पोमेटो में क्या होगा प्राइमरी पोमेटो में मियोसिस वन होगा और म्योसिस वन होगा और ये जो आपको दो दिख रहे हैं एन दैट इज़ हैप्लॉइड ये क्या है दीज आर सेकेंडरी पोमेटोसाइट ये क्या बन गए सेकेंडरी पोमेटो अब सेकेंडरी पोमेटो में फिर से क्या होता है फिर से म्योसिस टू होगा यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे म्योसिस वन यहाँ पे होगा म्योसिस टू और यहाँ ऊपर क्या हो रहा है यहाँ ऊपर हो रहा है माइटोसिस प्राइमरी पोमेटो तक सिर्फ माइटोसिस प्राइमरी इस में होगा म्योसिस वन और उससे बन के से से और उस से for... गए सेकेंडरी सेकेंडरी साइड में होगा आपको एंड दिख रहे हैं दीज आर स्पोमैटेड ये क्या है स्पोमैटेड हैं और फर्दर क्या हुआ जो स्पोमेटिड थे वो कन्वर्ट हो गए जो ये नीचे आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दिस इज द स्पमेटो और स्पम तो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया स्पोमेटेड ये बन गए स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ तो ये जो प्रोसेस हुई स्पोमेटेड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बने के उसको हमने क्या बोल दिया उसे हमने बोल दिया स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोल दिया स्पर्मियोजनेसिस तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस आगे देखें अगर अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें यह बताया गया कि एक अगर प्राइमरी पोमेटो है और उसमें कौन सा डिविजन हो रहा है उसमें अगर म्योसिस होगा यहाँ पे अगर मैं म्योसिस मेंशन कर दूँ तो कितने पोमेटो बनते हैं टू सेकेंडरी पोमेटो बनते हैं दो एक प्राइमरी पोमेटो से दो सेकेंडरी पोमेटो बन जाते हैं ठीक है इट्स ओके अब अ सेकेंडरी पोमेटो अब यहाँ पे एक अगर सेकेंडरी पोमेटो ले लिया तो उसमें क्या होता था उसमें यहाँ पर होता था म्योसिस बन और यहाँ पे होता है मियोसिस टू तो अगर उसमें मियोसिस टू हो रहा है एक सेकेंडरी स्पर्माटोसाइड में तो उससे बनते हैं टू स्पर्माटिड उससे क्या बन जाते हैं टू स्पर्माटिड मतलब कि एक प्राइमरी स्पर्माटोसाइड से दो स्पर्माटोसाइड बनते हैं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइड और एक सेकेंडरी स्पर्माटोसाइड से दो स्पर्माटेड बनते हैं दस अ प्राइमरी स्पर्माटोसाइड विल प्रोड्यूस

तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिख दी अ प्राइमरी स्पोमेटोसाइड मतलब कि एक प्राइमरी स्पर्मैटोसाइड से टोटल फोर बनते हैं स्पर्मेटेड या फिर स्पॉम टोटल फोर स्पर्मेटेड या स्पर्म बनते हैं ठीक है तो ये था सारा कैलकुलेशन कि कितने स्पर्म्स बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्राइमरी स्पोमेटोसाइड से टोटल फोर मेच्योर स्पर्म्स बनते हैं आगे बात समझ आगे देखें अगर हम आफ्टर स्पोमैटोजेनेसिस स्पोमेटोजिनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है स्पर्म्स या फिर स्पोमैटोजोआ की फॉर्मेशन हो गई है अब आगे क्या होने वाला है आगे क्या होता है स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स आपने पढ़ा था ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक तो लेयर थी कौन सी स्पर्मैटोगिया की और दूसरी जो लेयर थी वो थी सर्टोली सेल्स की किसकी लेयर थी सर्टोली सेल्स की तो अब जो स्पोमैटोगिया में स्पॉम्स की फॉर्मेशन हो गई है वो सारे स्पॉम्स निकल कर कहाँ चले जाते हैं वो अपने हेड को एम्बेडिड कर लेते हैं सर्टोली सेल्स में समझ में आ रही है बात मतलब अगर ये एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है तो आप देखो उसमें जो स्पर्म है वो आके अपने हेड को उसके अंदर इंसर्ट कर ले रहे हैं आ रही है बात समझ तो स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स टू गेट नरिशमेंट और पर्पस क्या है ये करने का पर्पस ये है कि जो स्पर्म्स हैं उनको चाहिए नरिशमेंट और नरिशमेंट के लिए वो अपने हेड्स को सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडिट कर ले रहे हैं देन दे आर रिलीज टू लूमन ऑफ़ द सेमिनी फेस्टिब्यूल इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन अब उसके बाद क्या होगा सर्टोरी सेल्स में अपना हेड फिक्स कर लिया न्यूट्रिशन ले लिया मेच्योर इनफ हो गए अब उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं लूमन ऑफ द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स में आ जाते हैं अब लूमन ऑफ द सेमिनिस्ट्रिब्यूज में क्यों आए? क्योंकि से वो effectia, epidemis, finally, उनको होना है। तो इसके लिए वो जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं वो आ जाते हैं लूमन ऑफ द सेमिनिफेरिस ट्रिब्यूज में और ये जो प्रोसेस होती है रिलीज ऑफ स्पर्म्स की रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ की उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन तो आपको किन तीन टर्म्स में कन्फ्यूज नहीं होना है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन अगर मैं आपसे पूछू स्पर्मिएशन क्या होता है तो आप सिंपली मुझे आंसर करेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स इन टू द लूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सर्टोली सेल्स निकल कर लूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चले गए स्पर्म्स तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन

अब हम यहाँ पर जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन स्पोमेटोजनेस क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम ये जो अभी तक प्रोसेसेस चल रही हैं आपने पढ़ा दिया कि ठीक है इससे ये बनेगा इससे वो बनेगा प्राइमरी पोमेटोस से सेकेंडरी बनेगा सेकेंडरी से इस बनेंगे बॉडी में ये मैकेनिज्म गवर्न कौन कर रहा है क्या अपने आप ये प्रोसेस हो रही है कोई वहाँ पर जादू वादू हो रहा है कि अपने आप से हो जा रही है तो इसका आंसर है कि जो प्रोसेस को गवर्न कर रहे हैं हमारी बॉडी में वो है हारमोन्स उसमें किसका रोल है सारा सारा उसमें सारा कुछ रोल्स है हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स का तो चलिए देखते हैं कि की प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं तो की प्रोसेस में जो दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जी एन आर एच जिसके अंदर दो हॉर्मोन्स होते हैं पहला होता है एल एस एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड सेकेंड होता है एल एच दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हारमोन तो ये जो हार्मोन होते हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पमेटोजेसिस देखते हैं कहाँ से सिक्रीट होते हैं ये हॉर्मोन्स कहाँ पे काम करते हैं सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है अब हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन जो होती है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी लेकिन हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी तो इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है हाइपोथैलेमस तो जो होता है हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीएनआरएच क्या फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मो तो जी एन आर एच जो है वो एक हाइपोथेमिक हारमोन है ठीक है अब जो जी एन आर एच है वो आके काम करता है पिट्यूट्री पर किस पर काम करता है पिट्यूट्री और पिट्यूट्री के भी दो पार्ट्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूट्री एंड पोस्टीरियर पिट्यूट्री तो जो जीएनआरएच है वो किस पर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर आके काम करता है ठीक है और पिट्यूट्री से रिलीज कराता है दो गोनेडोट्रोफिन हॉर्मोन्स की और वो जो दो गोनाइडोट्रोफिन हार्मोन्स है वो कौन कौन से हो गए पहला हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और सेकंड कौन सा हो गया सेकंड हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज दैट क्लियर तो समझ में आया आपको सबसे पहले हाइपोथैलेमस था हाइपोथैलेमस ने काम करा किस पर एक हार्मोन निकाला जिसका नाम है गुनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन गुनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन ने जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करा और एंटीरियर पिट्यूटरी ने टू और फर्दर हार्मोन से करे जिन्हें हम बोलते हैं गुनाडोट्रॉफिन जो कौन कौन से हैं पहला है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और सेकेंड कौन सा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब अगर दो हार्मोन है तो दोनों के सेपरेट सेपरेट काम होंगे तो सबसे पहले अगर हम ल्यूटे हार्मोन्स को देखें तो दे एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स दे एक्ट्स ऑन सेल्स एल फॉर ल्यूटे हार्मोन एंड एल फॉर लेडिक सेल्स अब अगर आपको लेडिक सेल्स याद आ रहा हो तो दीज आर द सेल्स विच वर प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल स्पेसिस वेरी गुड विच वारेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस इसीलिए लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या था इंटरस्टिशियल सेल्स ठीक है बाकी अब जो लेडिक सेल्स पे जाके काम करेंगे और लेडिक सेल्स करती क्या थी दे सिक्रीट्स एंड्रोजेंस का क्या मतलब होता है मेल हारमोन्स मेल टेस्टिकुलर हारमोन्स तो जो मेल हारमोन्स टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह का जो सिक्रीशन कंट्रोल करती है वो कौन करती हैं किससे होता है वो लेडिक सेल्स और लेडिक सेल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है लेडिक सेल्स को कंट्रोल कर रहा है ल्यूटिंग हार्मोन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके किस पर काम करने वाला है लेडिक सेल्स पे लेडिक सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करेंगी क्या लेडिक सेल्स सिक्रीट करेंगी टेस्टोस्टेरोन और बेसिकली एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करेंगी और साथ ही साथ में पहला काम तो एंड्रोजेंस का सिक्रीशन हो गया लेडिक सेल्स और दूसरी चीज स्टिम्यूलेट स्परमेटोजिनेसिस दूसरा काम क्या हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा काम हो गया कि स्पर्मेटोजिनेसिस का स्टिम्यूलेशन कराना बॉडी में स्पोमैटोजेनेसिस होना है इस चीज को ट्रिगर कौन करेगा इस चीज को ट्रिगर करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज दैट क्लियर आई आपको बात समझ आप दूसरे साइड पे आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है सर्टोली सेल्स पे तो आपको ध्यान रख लेना है एल फॉर न्यूटनाइजिंग हार्मोन तो इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स ठीक है ये पूरा एक ही है और और दूसरा जो है है वो काम करता है, सर्टोली सेल्स पे और क्या कराता है 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 तो जो हमारा वो वो क्या करवाता कौन सी प्रोसेस को को करवाता है 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 वो कराता है, spermiogenesis को. अब आपको spermiogenesis clear है कि क्या प्रोसेस होती है और जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट कराता है spermatogenesis को ये काम करता है लेडिक सेल्स पे और एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कराता है ये काम करता है सर्टोली सेल्स पे और किसको इनिशिएट कराता है ये करवाता है स्पर्मियोजेनेसिस को तो दीज आर द टू गोनेडोट्रोफिन व्हिच प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होप सो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से बहुत ईजिली समझ आया होगा ठीक है आगे हम देखेंगे स्पर्म स्पर्मेटोजोआ अब एक टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देख लिया था कि स्पर्मा से स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है उसमें कन्वर्ट हो गया था वो ठीक है स्पर्माटेड से वो कन्वर्ट हो गए थे तो हो है, स्पर्म में अब हम आगे अब हम एक स्पर्म को डिटेल में देखते हैं सबसे पहले अ अमेच्योर स्पर्म इज अबाउटी सिक्सटी माइक्रोमीटर और जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एम लॉन्ग तो लेंथ आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न रखने के लिए बट जस्ट आप कर रख सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसको भूल भी सकते हैं लेंथ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है स्पर्म इज एनवलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होल ऑफ द स्पर्म जो होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है जस्ट लाइक एनी अदर सेल किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और भी जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती हैं उसके बाहर जो आउटर एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिमिलरली जो हमारा स्पर्म होता है वो भी कवर्ड होता है बायो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब जो स्पर्म होता है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया उसके तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट इज हेड सेकेंड पार्ट इज मिडल पीस एंड थर्ड पार्ट इज टेल तो दिस इज द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म जिसमें कितने पार्ट्स होते हैं जिसमें थ्री रीजन होते हैं नंबर वन होता है हेड सेकेंड होता है मिडिल पीस और थर्ड होता है टेल तीन पार्ट से मिलकर स्पर्म का स्ट्रक्चर बना है आगे हम एक एक करके इन तीनों को डिटेल में देखते हैं हेड अगर आप सबसे पहले हम हेड का डिस्कशन करें तो आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि इट इज ओवल इन शेप डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है इट इज ओवल इन शेप अब ओवल है क्यों शेप में फॉर्मड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम अब अगर मैं बात करूं तो जो ये स्ट्रक्चर है हेड वाला इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं पहली चीज़ तो इसमें होता है एक न्यूक्लियस इसमें क्या होता है इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है ठीक है इसके अंदर यहाँ पे एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है

इट कंटेन लिटिक इंजाइम्स अब इसका क्या मतलब है देखो अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो स्पर्म का तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक बड़ा सा हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है हेड आगे मैं बोल रही हूँ ये जो आपको बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम अब जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर इंजाइम्स होते हैं कौन से एंजाइम्स होते हैं लिटिक एंजाइम्स होते हैं अभी जो लिटिक एंजाइम्स होते हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं देखो एक इस ओवम को जाके पेनीट्रेट करके इस स्पर्म को इसके अंदर जाना है और जो हमारा ओवम होता है वो ऐसे ही नहीं होता है उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे तो उन सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स को पेनीट्रेट करते हुए स्पर्म को अगर अंदर जाना है तो उसके ऊपर ये एक्रोसोम की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्रोजोम में जो एंजाइम्स हैं वो पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं और जब वो एक बार पेनीट्रेट कर गया तो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर पाएगा अगर स्पॉम पेनीट्रेट नहीं कर पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं फर्टिलाइज ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ये बात आपको समझ में आ रही है तो इसीलिए उस चीज को इजीली ब्रेक हो जाए जो ओवम के ऊपर इसकी लेयर्स हैं वो इजीली हट जाए टूट जाए इसके लिए आगे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है तो आपको हेड रीजन में क्लियर हो गया क्या होता है हेड रीजन में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं पहली चीज होती है उसमें एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस लार्ज हैप्लॉयड न्यूक्लियस और दूसरा चीज जो फ्रंट वाला पेनिट्रेटिंग पार्ट है उसमें होता है हमारा एक्रोसोम उसको बोलते हैं एक्रोसोम आप यहाँ देखेक् आपको यहाँ पर कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो स्पाइरली अरेंज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है उसमें पूछ चुके हैं कि स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन इन तो उसका आंसर क्या था इट इज सीन इन मिडिल पीस ऑफ स्पर्म तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर स्पायरली अरेंज स्पायरल समझते हैं ना आपको कुछ इस टाइप से कुछ इस टाइप से तो उसका जो मिडिल पीस वाला पार्ट है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंजड है अब क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मैम स्पर्म को माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत है क्यों है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो सोचिए क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म होता है वो ही होता है मोटाइल गैमेट जो फीमेल का एग है दैट इज नॉन मोबाइल दैट इज इमोबाइल वो कहीं भी मूव करके नहीं जा सकता जो स्पर्म्स होते हैं उनको मूवमेंट करके एग के पास तक जाना होता है मतलब कि स्पर्म को पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल करके इस ओवम या एग तक पहुंचना होता है अब अगर हम बात करें अगर उसमें ये स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो स्पर्म जो है वो मूव करके जा ही नहीं पाता एक तक तो उसका मूवमेंट अच्छे से हो पाए इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको ये समझ आया होगा कंपोस्ट ऑफ एक्सिल फिलामेंट सराउंडेड बाई माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी स्पर्म को मोटाइल बनाने के लिए उसका मूवमेंट अच्छे से हो पाए इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये हो गया किसके बारे में पीस के बारे में अब लास्ट पार्ट बचता है वो क्या है उसका वो है टेल वाला पार्ट टेल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट आप देख पा रहे हैं एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनाटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल अब आप खुद सोचो कि उसको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट के लिए जो टेल वाला पार्ट होता है टेल वाला पार्ट मूव करता है जिसके कारण होल ऑफ द स्पर्म आगे बढ़ पाता है और इसके लिए एनर्जी कौन दे रहा था एनर्जी दे रहा था मिडिल पीस वाले जो माइटोकॉन थे तो यहाँ से आपको सारा स्ट्रक्चर क्लियर होता है कि जो अंडुलेटिंग मूवमेंट्स होते हैं किसके टेल के उसके कारण जो हमारा स्पर्म है वो पूरा आगे की डायरेक्शन में मूव कर पाता है

फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी अगर किसी भी किसी को भी हम फर्टाइल मेल कब बोलेंगे कि जैसे कि अगर टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड जो है मिलियन इस वैल्यू को हमने अगर हंड्रेड परसेंट कंसिडर कर लिया कितना कंसिडर कर लिया इसको हमने हंड्रेड परसेंट तो इस हंड्रेड परसेंट में से एटलीस्टी सिक्सटी परसेंट फॉर्म ऐसे होने चाहिए जिनका क्या होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज और 40 परसेंट ऐसा होने चाहिए जिनमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए तब आप उस मेल को फर्टाइल बोलोगे या तब वो मेल जो होगा वो फर्टाइल होगा यानी कि वो अपने ऑक्स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा नॉर्मल ठीक है नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कितना होता है स्पर्म काउंट नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स जिसमें से अगर नॉर्मल फर्टाइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो 60 60 परसेंट स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका शेप एंड साइज एकदम नॉर्मल होना चाहिए और जो 40 परसेंट है उनमें विगरस मोर्लिटी होना चाहिए मतलब जो उनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए तब जाके एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टूडे आगे आपको बात समझ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी देखते रहिए थैंक यू कीप वॉचिंग और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप फ्यूचर में आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप ऑफ अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब थैंक यू